तो गाइस जैसे मैंने एक पिछली वीडियो मैंने एक बनाई थी कि आप सबको 15,000 से फ़ोन ले अगस्त में, जैसे अगस्त जुलाई से चल ही रहा है, तो उसमें आप सभी को वही फीचर्स देखने मिल जाते हैं। तो उसमें मैं बताया था कि आप सब को क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो आप सब लोग को वो फ़ोन लेना चाहिए। तो आज मैं आप सब लोग को under 20,000 में बताने वाला हूँ कि आप सब लोग क्या क्या फीचर्स देखने को मिले तो आप सब लोग उस फोन को बाय कर सकते हैं। तो हे गाइस, मैंने मेरा आयुष्मान एंड यू आर वाचिंग वी आर ऑल राउंडर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हे गाइस, अगर आप सब लोग अभी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप सब लोग काफ़ी कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए कौन सा नहीं, तो वहाँ पे आप सब लोग को देखने मिल जाएगा, मैं आप सब लोग को बता दूंगा। तो गाइस, जब आप सब लोग एक फ़ोन ले रहे हो तो आप सब लोग को 6 चीज़ें के ज़्यादा देखने पड़ जाता है। एक होता है कैमरा, दूसरा डिस्प्ले, तीसरा रैम स्टोरेज, और यहाँ पे एक चौथा डिज़ाइन, और पांचवा सिक्योरिटी। इसी को हम लोग बेस करके पूरा ये वीडियो बना रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आप सब लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगा डिस्प्ले में। जो यहाँ पे under 15,000 डिस्प्ले था, वहाँ पे आप सब लोग TFT पैनल डिस्प्ले देखने को मिल रहा था, लेकिन 20,000 या अंडर आप सब लोग को कुछ फ़ोन में, मतलब मिनिमम 20% फ़ोन में, अगर अच्छे फ़ोन में, तो वहाँ पे आप सब लोग AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ रिफ्रेश रेट आप सब लोग को 60Hz को देखने को मिल जाए। सिर्फ एक फ़ोन है जिसमें 120Hz डिस्प्ले और रिफ्रेश रेट आप सब लोग को देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे Poco X2 है, वो आप सब लोग को देखने को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ एक ऐसा फ़ोन है जो आप सब लोग को यहाँ पे 20,000 के अंदर यहाँ पे आप सब लोग 120Hz का डिस्प्ले आप सब लोग को प्रोवाइड कर रहा है। और डिस्प्ले यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले हो या TFT पैनल डिस्प्ले हो, यहाँ पे आप सब लोग को मैक्सिमम यहाँ पे आप सब लोग को अभी यहाँ वो AMOLED डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगा, TFT पैनल डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया डिस्प्ले के मामले में कि हाँ कैसा डिस्प्ले होना चाहिए। अब आता है डिस्प्ले प्रोडक्शन की, भाई कि हाँ कितना इतने आराम से टूट ना जाए कि यहाँ चले फ़ोन। तो यहाँ पे आप सब लोग को वही गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन आप सब लोग को देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में आप सब लोग को यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन, पंच होल डिस्प्ले यहाँ पे आजकल चल रहा, तो वो आप सब लोग को देखने को मिल जाता है। जैसे कि सैमसंग की बात करूँ मैं, तो जो सैमसंग एक रियलमी है, रियलमी में और रेडमी की बात मैं दोनों साथ में कर रहा हूँ, एक सैमसंग है एक रियलमी रेडमी है। रेडमी कोई Poco X2 में ले लेते, जैसे Poco X2 है उसमें आप सब लोग को प्रोसेसर मिल रहा है 730G, और यहाँ पे आप सब लोग को A51 सैमसंग गैलेक्सी A51 में वही लगभग प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि आप सब लोग को 25,000 में मिल रहा है, यहाँ 18,000 में। तो ये थोड़ा सा आप सब लोग को यहाँ पे जो चाइनीज़ ब्रांड है वो ज़्यादा प्रोवाइड करती है, लेकिन आप सब लोग का कह रहा है कि हाँ मैं 5,000 और भी लगा सकता हूँ, तो मैं तो कहूँगा आप सब लोग जाइए गैलेक्सी A51 में, क्योंकि वहाँ पे आप सब लोग को और ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। और अगर आप सब लोग चाहें तो M31S में भी जा सकते हैं, जो कि यहाँ 20-21,000 आसपास यहाँ पे आप सब लोग को देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो सैमसंग गैलेक्सी की जैसे कि डिस्प्ले होती है वो इतनी लाजवाब इतनी अच्छी होती है ना, कि जो यहाँ पे चाइनीज प्रोवाइड कभी नहीं कर सकता चाइनीज ब्रांड। लेकिन यहाँ पे अगर डिस्प्ले बात करें तो सैमसंग की, तो एकदम A1 डिस्प्ले आप सब लोग को सबसे अच्छा सैमसंग में देखने को मिल जाता है। हाँ, अगर आप सब लोग एक गेमिंग फ़ोन नहीं सिर्फ ऐसे फ़ोन ले रहे हैं तो आप सब लोग उस पर जा सकते हैं, आप सब लोग M31, M30S ऐसे करके आप सब लोग काफ़ी आसानी से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं गेमिंग फ़ोन प्रोसेसर, आप सब लोग को गेम खेलना है तो यहाँ पे आप सब लोग को उस पर जाना चाहिए जहाँ पे आप सब लोग को 730G 720G प्रोसेसर मिले, क्योंकि यहाँ पे आप सब लोग को 18,000-17,000 में यही तरह के फ़ोन में प्रोसेसर आप सब लोग को देखने मिल रहे हैं 720G 730G, जिसमें आप सब लोग को काफ़ी अच्छे से गेम, आप सब लोग PUBG हुआ कोई भी गेम हुआ, आप सब काफ़ी आसानी से अच्छे से खेल सकते हैं, जिसमें आप सब लोग कोई भी प्रॉब्लम देखने मिल जाती, क्योंकि यहाँ पे मिड रेंज फ़ोन है। तो हाँ, मीडियम में आप सब लोग को थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पे आप सब लोग काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये जो 730G 720G यहाँ पे प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ करते हैं, और काफ़ी अच्छे से आप सब लोग को रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आप सब लोग गेम खेलते समय आप सब लोग काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। और अब बात करें बैटरी की, तो बैटरी में आप सब लोग को 4000mAh की यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ज़्यादा नहीं मिलेगी 3750mAh की, ऐसे ऐसे 4000mAh की यहाँ से आप सब लोग को आसानी से देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे डिज़ाइन तो आप सब लोग के ऊपर है कि कौन सा डिज़ाइन आप सब लोग लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं कैमरे भी, तो भाई यहाँ पूरे मार्केट में ये क्या फैला हुआ है कि जितना ज़्यादा मेगापिक्सल उतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी क्लियरिटी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सब लोग को मेगापिक्सल छोटा करके देते फिर भी वो एक क्लियरिटी क्वालिटी रहेगी, और बड़ा दे तब भी वो एक क्लियरिटी क्वालिटी रहेगी। अब यहाँ पे मैं एक आईफोन को लेकर चलता हूँ, आईफोन 11 प्रो मैक्स, जहाँ पे आप सब लोग 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है कैमरा में, और यहाँ पे आप सब लोग को एक तरफ है 64 मेगापिक्सल का। और जब आप सब लोग देखेंगे क्वालिटी में ना, तो जो आईफोन है वो ज़्यादा अच्छा आप सब लोग को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप सब लोग को ये
जो भी 64 GB मेगापिक्सल का रहेगा उससे ज़्यादा हद तक, यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का भी देखने को मिल जाता है, लेकिन उससे काफ़ी हद तक आप सब लोगों को यहाँ पे 12 मेगापिक्सल में देखने को मिल जाता है। तो ये मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेंसर है, कौन सा कैमरा, उस पर डिपेंड करता है, ना कि ये सब पे। तो ये होता है कैमरा में। तो कैमरा पे का आप जब भी देखें तो ये कभी ना जाए कि इसमें ज़्यादा मेगापिक्सल है तो इसको ले, इसमें कम है तो इसको ले, तो इसको आप सब लोग कभी इस पर भूल के भी इस पर ना जाएं। तो गाइस जब हम लोग बात करते हैं कि रैम और स्टोरेज की, तो यहाँ पे जो रैम है आप सब लोग 6 GB 128 GB स्टोरेज के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि 18-19,000 में यहाँ पे आराम से देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ फ़ोन है जिसमें ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन रैम स्टोरेज कम दिए हैं, और तो उसमें आप सब लोग 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जो 15,000 के अंदर है उनमें आप सब को डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेकार देखने को मिल जाती है। वहीं जो 20,000 के अंदर वहाँ बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन आप सब को थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग जो यहाँ पे देखने को बराबर ही मिल जाता है, हल्का सा यहाँ पे 1-2 पॉइंट आप सब को ज़्यादा अच्छा यहाँ पे यहाँ देखने मिल जाता है, तो नोट 9 प्रो मैक्स में या पोको X2 में। तो यहाँ पे आप सब लोग M31S पे भी जा सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रोसेसर थोड़ा सा नीचे है, लेकिन यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी और जो आप सब लोग का कैमरे की क्वालिटी है और भी ज़्यादा फीचर देखने मिल जाते हैं। और बात करते हैं सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी भाई चाइनीज़ फ़ोन की तो एकदम रद्दी है, यहाँ पे सेक्शन लॉक सिक्योरिटी आप सब लोग को सबसे अच्छी देखने मिल जाती है। तो गाइस आप सब लोग को अब समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा फ़ोन आप सब लोग को लेना चाहिए अंडर 20,000 में, क्या क्या फीचर स्पेसिफिकेशन आप सब लोग को देखने मिलने चाहिए इस